Assalamualaikum, welcome to Sahi's Kitchen. आज मैं आपको potato pin wheels बनाना सिखाऊंगी. बहुत ज़्यादा आसान है and yummy and delicious. तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या ingredients की ज़रूरत होगी. उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, 1 teaspoon नमक या हसबे जायका, 1/4 teaspoon हम ले रहे हैं अजवाइन, 1/4 teaspoon हम ले रहे हैं ज़ीरा और पानी डो को भूनने के लिए. तो आइए अब डो को तैयार करते हैं. जी अब हम पहले में ऐड कर देते हैं अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स को. इसमें हम ऐड कर देते हैं अजवाइन, ज़ीरा और नमक. अब इनको हम अच्छे से मिक्स करते हैं. और याद रहे इसके लिए हम जो डो बनाएंगे वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए. अब इसको हम गूंद लेते हैं. अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे. एक दफ़ा से आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, उससे यह होगा कि आपकी जो डो है वो नरम हो सकती है. जी हमारी डो रेडी है. इसको मैंने हार्ड गूंदा है ताकि ये हमारे पास रोल करने में आसानी हो. अब इसकी हम फिलिंग रेडी करते हैं. इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको साइड पे रखते हैं. जी फिलिंग के लिए जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2 बॉयल आलू और उसको मैंने मैश कर लिया, 1 teaspoon नमक या हसबे जायका, 2 tablespoon धनिया बारीक कटी हुई, 1 tablespoon केचप, 1 teaspoon हम ले रहे हैं ज़ीरा और उसको मैंने रोस्ट और क्रश कर लिया, और 1 teaspoon हम ले रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर. अब इनको मिक्स करते हैं. जी अब हम मैश किए हुए आलू में ही सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे. लाल मिर्च का पाउडर, नमक पाउडर, ज़ीरा, धनिया और इसमें आप सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं. अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं. फिलिंग हमारी रेडी हो गई है. जी देखिए हमारी डो रेडी है. इसको अब आप बेल लें टेबल पे रख के. जी देखिए मैंने अपनी डो को बहुत पतला सा बेल लिया है. अब इस तरह इसको बेल लें. उसके बाद बिल्कुल हल्की हल्की आपने केचप हर जगह लगा दें सिर्फ टेस्ट के लिए. बहुत ज़्यादा नहीं लोड करना आपने, हल्का हल्का. जी अब देखिए हमने अच्छे से लगा लिया. अब इस तरह आप इसको फोल्ड करेंगे. बहुत ध्यान से देखिएगा, यूं इस तरह आप करते जाएं. आराम आराम से, ये बहुत आराम से करिएगा. इस स्टेप को करने में बिल्कुल जल्दी मत कीजिएगा. इसको बहुत ध्यान से आपने आराम आराम से इस तरह रोल करते जाएं. देखिए आराम आराम से हमने किया, ये अच्छे से फोल्ड हो गया. अब इसकी हम करेंगे कटिंग. जी अब छुरी की मदद से हम इनकी कटिंग करेंगे. पहले हम ये वाला जो फर्स्ट पीस है ये एक्स्ट्रा है, इसको हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि इससे शेप सही नहीं आएगी. अब बाकी सब की हम कटिंग करते जाते हैं बहुत आराम आराम से. इस स्टेप को आपने बहुत आराम से करना है, अदरवाइज़ आपकी शेप अच्छी नहीं बनेगी. 1/2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप इसको कटिंग कर लें या फिर आपको जितना पसंद है. जी ये देखिए हमने कटिंग कर ली और बहुत एहतियात से मैंने कटिंग की है. अब ये देखिए हमारी रेडी है पिन व्हील. इसको आप हाथ से थोड़ा सा शेप देके थोड़ा सा आप यूँ प्रेस करेंगी ऐसे. इसी तरह दूसरा उठाएंगे. हाथ की मदद से आपने इनको थोड़ा सा शेप देना है, उसके बाद इसको आप प्रेस कर देंगे यूँ.
ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं, ऐसे प्रेस करते जाएं, इसी तरह सब कर लें जी। हमारे पोटैटो पेन व्हील्स रेडी हो चुके हैं, अब इसके लिए हम कोटिंग प्रिपेयर करते हैं जी। कोटिंग के लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा और थोड़ा सा पानी इसको बनाने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी आप इसमें डालें और एक पतला सा आपने बैटर बनाना है। जी ये देखिए बैटर रेडी है, हमने इस तरह पतला सा बैटर बनाना है इसको कोट करने के लिए। अब इसको हम फ्राई करते हैं जी। ऑयल हमने लिया है जी, अब इनकी साइड चेंज कर लें और इनको तब तक पकाएं जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होते जी। ये ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी सारे प्रिपेयर कर लें। हमारे गर्मा गर्म पेन व्हील रेडी हैं, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। इसको देखें आप, जो हमने कोटिंग किया वो इसको क्रिस्पी बना देता है, इतने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं माशाल्लाह। इसको मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको। ज़बरदस्त, बहुत यम्मी बने हैं, आपको भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।